हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक OTG का अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से बिग बिलियन सेल में अगारो का मार्वल 25 लीटर अवन OTG मंगाया है। ये मेरे को फ्राइडे को रात में डिलीवर हुआ। जो भैया लाए थे उन्हीं को ओपन करके दिखाना था सारे चीज़ों को, क्योंकि अगर कुछ भी डैमेज है या रॉन्ग प्रोडक्ट है तो आप उसी टाइम उसको रिटर्न कर सकते हो। मैंने तो उसी टाइम चला के भी देख लिया था ताकि थोड़ी आगे प्रॉब्लम ना हो। ये इसमें से बॉक्स में निकाल रहे हैं, इसकी पैकिंग तो सही थी, बिल्कुल आराम से सब तरफ से इसे सिक्योर करके पैक किया गया था। दोनों तरफ थर्माकोल लगा दिया था। ये लाइट वेट बहुत है, आप ये समझ लीजिए कि इसमें बहुत ही हल्का फूल सा है ये। इसे वो भैया खोल रहे हैं। 25 लीटर का 3-4 लोगों के मेंबर के फैमिली मेंबर्स के लिए ये सफिशिएंट है। इसमें से वो वारंटी कार्ड निकाल रहे हैं। एक साल की वारंटी है। ये हमको सेल में सस्ते का पड़ा था तो हमने इसको बुक कर दिया था सेल के टाइम पे। इसके साथ ये एसेसरीज़ मिली हैं जिन्हें मैं आगे खोलकर आपको दिखाऊंगी। इसमें 5 एसेसरीज़ थी जो इसमें यूज़ होंगी। हर चीज़ बहुत अच्छे से पैक करके उन्होंने दी थी। ये हमारा OTG है, ये इसका डोर है और इसमें ये ऊपर की तरफ रॉड है, दो नीचे की तरफ रॉड है। ये इसमें बल्ब लगा हुआ है और इसमें ये सेक्शन दे रखे हैं, टॉप पे लगाना है, मिडिल में लगाना है कि बॉटम पे लगाना। जब आपको दोनों तरफ से कुक करना है तो आप नीचे से कुक करना है तो आप बॉटम रॉड्स खोलते हो, बॉटम पर यहाँ पर इसको सेट करते हो और फिर आपकी रोटी नीचे से सिक जाती है। और अगर ऊपर से लाना है चारकोल वाला फ्लेवर, ग्रिल वाला, तो आप टॉप पर टॉप की रॉड्स खोलते हो और टॉप पर इसको को फिट करते हो। इसमें हमें जो एसेसरीज मिली है वो एक ही रॉड ट्रे ये है और इसके साथ ही हमें ये ट्रे मिली है। इससे क्या होगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ अगर बेक कर रहे हो या ग्रिल कर रहे हो तो ऊपर रख दोगे नीचे टपक जाएगा, साफ ये निकाल कर आसानी से। इसमें एक तो अच्छी बात ये है, दूसरी बात ये है कि इसमें जो हमें एसेसरीज मिली, एक तो ये ट्रे पकड़ने वाला है, अगर गर्म है तो आपको हाथ या मटीन की ज़रूरत नहीं है, आप इससे सिंपल निकाल सकते हो। और ये एक हमारे पास इसमें रोटी स्त्री वाला, जिससे आप पूरा चिकन रोस्ट कर सकते हो, पनीर भी रोस्ट कर सकते हो। तो ये हमें रोटी स्त्री अप्लाइंसेस मिला है। इसमें यहाँ पर और ये यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर पेच है, पेच को खोलेंगे और इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, फिर इसमें पूरा चिकन को हम लगा देंगे। और इसको पकड़ने के लिए इसमें ऐसे कि हमने प्री हीट किया हुआ है तो हमारा जो है वो उठाने में परेशानी होगी, तो हम इसको इस तरह से इस ट्रे से उठा के रख सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए ये वाला रोटेसरी हैंडल इन्होंने दिया है, ये बहुत यूज़फुल है इसमें कि आप इसको ऐसे करके, मैं एक हाथ यूज़ कर रही हूँ, एक हाथ पे फ़ोन है तो इस चक्कर में, और ऐसे करके आप इस रोटेसरी को यहाँ पर इसमें और इस जगह पे ऊपर से लेकर इस जगह में ऊपर से लेकर इसको इस तरह से लगा देंगे और फिर आप ये निकाल देंगे हैंडल। इससे आपका हाथ जलेगा भी नहीं और आपका बहुत आसानी से जो भी आप रोस्ट कर रहे हो वो उठा लोगे इसकी वजह से। ये जो रोटेसरी हैंडल है ना, इसकी वजह से ऐसे।
अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसमें तीन बटन है। फर्स्ट बटन है टाइमर का, इससे आप टाइम सेट कर सकते हो। टाइम आप इसमें मैक्सिमम जो है वो 60 मिनट है, और लोअर से 0 से 10, 20 तक प्री हीट कर लीजिए आप, और उसके बाद इसको अपने हिसाब से रेसिपी के अकॉर्डिंग टाइम सेट कर दीजिए। अगर आपको सिर्फ नीचे की रॉड से काम है, नीचे की रॉड गरम करना, तो ये वाला बटन, दोनों ये ऊपर की दोनों रॉडें चलाना है, टॉप बॉटम की दोनों की रॉड, तो ये वाला बटन। सिर्फ रोटेसरी और चलाना है टॉप बॉटम, तो रोटेसरी और बॉटम सिर्फ जलाना है तो ये वाला, रोटेसरी टॉप बॉटम दोनों जलाना हो तो ये वाला, और आग को सिर्फ अवन करना है, केक बनाना है तो ये वाला, और सिर्फ टॉप पकाना है तो टॉप की रॉड जलानी है तो वही है। खाना गरम करना हो आपको तो टॉप पे रखिए, 10 मिनट में खाना अच्छी तरह से गरम हो जाएगा। और नीचे से कुक करना है सिर्फ केक वगैरह जैसे, तो वो आप नीचे की शेक पे या मिडिल रैक में रखिए और ये वाला बटन दबाइए। दोनों आप तब बनाइए जैसे कि रोटी या नान वगैरह माल वगैरह बना रहे हैं, ताकि थोड़ा नीचे से भी गर्म हो और ऊपर से भी थोड़ा सा आपके सिकावापन आ जाए। ये आप मुर्गा या आप पनीर वगैरह रोस्ट करें तब ये यूज़ कर लें रोटेसरी बिल्कुल, और अगर जल्दी वाला है तो रोटेसरी और टॉप बॉटम दोनों यूज़ कर लें। बेक करना हो तो ये कर लें। और यहाँ पर आप ये देखिए, इसमें ये वॉट्स दे रखिए कि कितने आपको 100 वॉट 120 160 180 200, मैक्सिमम इसमें 250 डिग्री टेम्परेचर है। और इसमें एक बात और है कि आपका टेम्परेचर के बाद स्टे ऑन मेथड है, बटन है, जिससे आप लॉन्ग टाइम तक थोड़ा सा 60 मिनट के ऊपर भी टाइम रखेंगे तो वो चलता रहेगा अपने आप। इसमें एक लाइट जलती है, जब बंद हो जाएगा तो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, जितना आपने टाइम सेट किया है इससे आपको पता चल जाएगा। और अंदर पकते टाइम भी लाइट जलती रहती है, जिससे आप देख सकते हो कि कोई चीज़ जल तो नहीं रही है। इस पे मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी हैं, आपके साथ मैं वो रेसिपीज शेयर करूँगी आगे। और इसमें मैं एक एक मेथड, जो भी मेरे से गलती हुई है या जो भी मुझे इसमें आसानी हुई है, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी इसमें। अभी हम जो हैं धीरे धीरे एक एक रेसिपी ट्राई करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। इसमें हमें हर चीज़ बनाने की आसानी है, हम उसी हिसाब से सारी चीज़ें बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी वैसे बताएंगे, और अगर आपको कोई रेसिपी स्पेशली बनवानी है या पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ये मैंने फ्लिपकार्ट पे जब बिग बिलियन सेल चल रही थी ना, तब मैंने लिया। वैसे तो ये 4500 का, 4299 का, लेकिन ये मुझे कम का पड़ा है। आप लोग मुझे कमेंट करो तो मैं बता दूँगी कितने का पड़ा है मैंने सेल में, मुझे कितने का फ़ायदा हुआ है। और मैंने इसमें जो है रोटेसरी वाला करके देखा, बहुत ही अच्छे से सब तरफ से रोटेट हो होकर पक रहा था। और इसमें ये एक स्क्रू होता है यहाँ पर, ये हमने इसे खोला, इससे खोलने से यहाँ गैप हो जाता, फिर इसको इसके अंदर इंसर्ट करके, और फिर हमने इसमें आराम से इसको बंद हो जाता है। और यहाँ पर चिकन पूरा आप पूरा एक इस कोने से पकड़ के रखेगा, और आपका चिकन आसानी से घूमता रहेगा और पकता रहेगा। इसमें आप शौरमा वगैरह भी अच्छे से बना सकते हो, चिकन शौरमा, पनीर शौरमा। मैं इसमें आपको जो जो बनाऊंगी वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। और देख, इसमें 7 दिन की रिटर्न फैसिलिटी भी थी, फ्राइडे को ये डिलीवर हुआ तो फ्राइडे तक ही हमें इसको रिटर्न कर सकते थे, फ्राइडे की नाइट में आया था। तो आप जो है अगर सस्ता
परचेस करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ओटीजी है। मैंने इसमें अभी तक चिकन बना लिया है, रोटी बना ली है, पीनट रोस्ट की है मैंने, इसमें नान कुलचा बना के देखा आपके साथ, वो सब रेसिपीज़ मैं आगे शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।